चीफ इलेक्शन ऑफिसर राजू कुमार मीडिया तो మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం విల్ గో ఆన్ ది ఇన్ ది ఇన్ ది వెలీ ది సెకండ్ ఫేజ్ వుడ్ బి గందబల్ శ్రీనగర్ బడ్గాం ఆన్ ది వెలీ ఇన్ ది వెలీ సైడ్ అండ్ ఆన్ ది జమ్మూ సైడ్ పూంచ్ రజౌరి అండ్ రియాసి అండ్ దెన్ ది ఫోర్సెస్ మూవ్ అప్ సో నార్త్ కాశ్మీర్ ఇన్ ది అప్పర్ రీజెస్ అండ్ ఆల్సో ది जम्मू एंड उधमपुर सांबा एंड रिकुपा कठुआ रीजन दिस इज व्हाट वुड बी द शेड्यूल इफ वी कम टू द शेड्यूल ऑफ हरियाणा हरियाणा वुड बी इन द लास्ट फेज एग्जैक्टली कंसाइडिंग विद द थर्ड फेज ऑफ जे एंड के नॉमिनेशन बीइंग ऑन 5th of September लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन ऑन 12th of September Date of poll 1st October and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the Festival of Democracy. Thank you. Thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will have the round of questions. I would request every one of you to please raise your hand, whoever wishes to ask a question. The mic. We will. Excuse me, please. The person in the second row, green t-shirt. Please introduce yourself also. Yes, please. सर मेरा नाम ताबिश कमाल है मैं जम्मू कश्मीर के गुलिस्तान और जेके चैनल से हूं मैं पूछना चाहता हूं कि आज उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल उठाया कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है वो बायस्ड हुई है उस पर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा और दूसरा ये कि अमरनाथ यात्रा में बहुत ज़्यादा डिप्लॉय वहाँ पर फोर्सेज हैं तो अब आप लोग कब वहाँ पर फोर्सेज डिप्लॉय करेंगे जिससे लोग इंश्योर हो सके मतलब कि वो सुरक्षित हैं महफूज हैं और वोट करने के लिए बाहर निकलें Please give the mic to the media person in the purple shirt. मैं संजय शर्मा हूं आज तक से मेरा सवाल यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी 25 को ही समाप्त हो रहा है 26 नवंबर को तो क्या वजह है कि इसके साथ ही चुनाव नहीं कराया जा रहा है तो राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल कुछ ऐसा है तो निर्वाचन आयोग क्या सोचता है इस बारे में बहुत आसान है ये कहना और आपका पूछना भी प्लीज गिव द माइक टू द पर्सन बहुत ही आसान है पूछना इन द ब्लू शर्ट आई विल आंसर सेकंड लास्ट रो हेलो सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से हमारा सवाल है कि जम्मू क्षेत्र में हाल के वक्त में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं और आपने कहा भी था अपने चुनाव दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में कि बाहरी शक्ति हो या आंतरिक शक्ति कोई भी चुनाव को रोक नहीं सकती इस बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ी हैं वो कितनी बड़ी चुनौती है और दूसरा हमारा एक सवाल है कि पहले भी ऐसे चुनाव कार्यक्रम रहे हैं कि जब एक साथ अवधि खत्म हो रही है जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र की एक साथ खत्म हो रही है एक आगे पीछे थोड़ा एक ही महीने में तो आपने बाद में घोषणा किया लेकिन मतगणना एक साथ किया क्या ऐसी कोई संभावना महाराष्ट्र को लेकर इन दोनों चुनाव के साथ आने वाले वक्त में क्लब होने की है या महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव अलग होंगे सर सो वी विल टेक मोर क्वेश्चंस और यू वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड एक और प्लीज गिव द पर्सन द लास्ट उधर चले जाइए दिस साइड वी विल टेक सम क्वेश्चंस प्लीज लास्ट में ब्लैक शर्ट थोड़ा जल्दी चले जाइए आप प्लीज हेलो सर मैं गौरव श्रीवास्तव हूँ टाइम्स नेटवर्क से सवाल यह सर कि जम्मू कश्मीर को लेकर हालिया मीटिंग हुई थी होम सेक्रेटरी के साथ और जाहिर तौर पर चुनाव आयोग ने बहुत तैयारियां की हैं खास करके कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा थ्रेट है आपने कहा कि हम उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देंगे किस तरह की सुरक्षा की डिटेल्स रहेगी या किस तरह की उन्हें सुरक्षा कैटेगरीज दी जाएगी ताकि वो महसूस कर सकें खास करके वो इलाके जो कि बहुत ज्यादा आतंक प्रभावित क्षेत्र रहे हैं
और जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा दूसरा सवाल यह है कि सर, जैसा कि पूछा कि जो ताबड़तोड़ ट्रांसफर हुए 198 अधिकारियों के, उसमें राजनीतिक आरोप ये लगा रहे हैं कि चुनावों की घोषणा को देखते हुए कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश जो है वो एलजी की तरफ से वहां पर जम्मू कश्मीर में की गई है, और जिस तरीके से 15 अगस्त को अधिकारियों को बुलाया गया और उसके बाद उन्हें ट्रांसफर की जो तरीके जिस तरीके से हुए वो कहीं ना कहीं चुनाव में एक तरीके से निष्पक्षता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। सो लेट मी टेक दिस क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले लास्ट और फर्स्ट क्वेश्चन को पहले लेता हूं। ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स इन जे एंड के आज सुबह में हुई है, तो पहली बात तो शायद हमारा अनाउंसमेंट काफी जल्दी हो गया, लोगों को ये शायद इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी, बट एनीवे जो अभी हमने चेक किया है उसमें शायद एक एसपी हैं और 4 DCs हैं, बाकी सब फील्ड रिलेटेड उतने नहीं हैं, बाकी अभी हम डिटेल्स चेक करेंगे। एमसीसी लगने से पहले ट्रांसफर करना ना करना सरकारों के अधीन है, लेकिन अगर किसी भी सूरत में किसी भी समय में कोई भी अधिकारी के बारे में कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होने की सूचना आती है तो उस पर आयोग अपने हिसाब से जांच करके कार्य करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइमिंग ऑफ द ट्रांसफर। ऐसा भी हो सकता है कुछ आज ट्रांसफर हुए हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ पहले ट्रांसफर हुए हो। वील बी एब्सोल्युटली क्लियर इन आर रिजॉल्व टू एंश्योर दैट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स बिहेव एब्सोल्युटली इम्पार्शियल विदाउट इवन वन इंच बींग हियर एंड देयर। अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो खत्म होगी 19 तारीख को, हमने पूरा असेसमेंट होम मिनिस्ट्री के साथ भी और फील्ड में भी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ भी किया, वहां भी पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस अमरनाथ जी की यात्रा के लिए उपलब्ध हैं, उपलब्ध रहेंगी और सफिशिएंट मात्रा में बटरेस की जाएंगी, स्ट्रेंथन की जाएंगी, जितनी जरूरत होगी उतनी की जाएगी। लेकिन जो पूरा माहौल हम वहां देख के आए और जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे मैंने कहा ना, दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। फोर्स से ज्यादा जरूरी क्या है? फोर्स से ज्यादा जरूरी है वहां की आवाम का विश्वास और उनका अपने लिए अपनी सरकार देने का जज्बा, और जमहूरियत के फेस्टिवल को उसकी उसको आगे बढ़ाने की जो ललक हम देख के आए, हमें उम्मीद है कि लोग ही उसका बहुत भरपूर जवाब देंगे। बट नंदिलेस सफिशियंट फोर्सेस विल रिमेन टू डील विथ एनी इवेंचुअलिटी वॉट एवर कम्स ऑन द वे। सिक्योरिटी थ्रेट्स टू द कैंडिडेट्स टू द डिस्ट्रिक्ट्स टू अदर वल्नरेबल पोजिशंस और एरियाज वुड बी थोरोली अंडर रडार ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड विल बी टेकन केयर ऑफ। मुद्दा एक ही है, मुद्दा यह है कि जो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बुनियाद रखी गई इमारत उससे भी बुलंद होनी चाहिए, ये ही रिजॉल्व है। महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ देखिए, पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे, 3 नवंबर हरियाणा की डेट है तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है, राइट। उस समय में जे एंड के वॉज ए नॉट ए फैक्टर, सो वन कुड हैव गॉन लिटिल लेटर। दिस टाइम देर आर 4 इलेक्शंस इन दिस ईयर एंड 5th इलेक्शन जस्ट इमीडिएटली आफ्टर दिस, दैट इज टू स्टार्ट विद जे एंड के, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड एंड दिल्ली। सो डिपेंडिंग ऑन द फोर्सेस, रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्सेस विच इज एज आई सेड विच इज ए हायर टोन इन जे एंड के, हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया। और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब
जेएनके अनाउंस करें और जेएनके चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं, अभी महाराष्ट्र में बारिश भी थी, बीएलओस का वर्क करना बाकी है, और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है, दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रे, दिवाली, ऑल दैट पुट टुगेदर दिस इज व्हाट वी थॉट दैट वी कैन हैंडल एज टू इलेक्शंस एट ए टाइम, सो देयरफॉर वी डिसाइडेड टू गो दिस, एंड इन एनी केस इट इज विद इन सिक्स मंथ्स ऑफ द शेड्यूल ऑफ द टर्म ऑफ द असेंबली विच इज एंडिंग। I think I have answered all. Yes, sir. Next. Please give the mic to the lady in the third row. This one. जल्दी जाइए थोड़ा आप. Third row. थोड़ा जल्दी लेके जाइए mic, please. माइक थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए सर। द सुप्रीम कोर्ट हैड सेट अ सितंबर 30 डेडलाइन फॉर कंडक्टिंग द पोल्स इन जेएनके। इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन दैट यू आर गोइंग अ डे बियॉन्ड? ओके, प्लीज गिव द माइक टू द पर्सन इन द फर्स्ट रो, पर्पल शर्ट। नमस्कार सर, मैं प्रदीप कुमार टोटल न्यूज से। मेरे दो सवाल हैं सर। जम्मू कश्मीर में काफी लंबे अंतराल के बाद चुनावी मुकाबला हो रहा है, वोटिंग होगी, काफी वक्त लगा है आपको यहाँ तक पहुँचने में, इसकी क्या बड़ी वजह रही? और दूसरा सवाल है सर, हरियाणा में जो चुनावी तारीख का ऐलान हुआ है, हरियाणा को लेकर जो चर्चा हुई थी, जो बैठक हुई थी, राजनीतिक दलों ने भी कई सुझाव दिए थे, लेकिन हरियाणा में जो चुनावी मुकाबला है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दिल्ली से भी सटा हुआ है, दूसरा हरियाणा के मिजाज की अगर बात करें, राज्यसभा चुनावी मुकाबला भी वहां पर होना है, तो क्या असर डालेगा ये विधानसभा का मुकाबला अगर इससे जोड़कर देखें? प्लीज गिव द माइक टू द पर्सन थर्ड रो, अनुज। सर मैं धुरेंद्र, मैं न्यूज नेशन से। मेरा सवाल जम्मू एंड कश्मीर चुनाव को लेकर है। जिस तरह के हालात पिछले कई महीनों से घाटी में बने हैं, खासतौर पर मैं यहाँ पर सर, जिस तरह के हालात कई महीनों से घाटी में बने हैं और खासतौर पर जम्मू के रीजन में बने हैं, जो कि पूरा टेरर प्रोन एरिया हो गया है, और वहां पर एक तरह से देखा जा रहा है कि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में शांतिपूर्ण चुनाव कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना एक बड़ा चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने भी है, तो किस तरह के डिप्लॉयमेंट होंगे, उसके लिए किस तरह की तैयारी की गई है, किस तरह से एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन है, और कैसे आप कैंडिडेट को भी और साथ साथ मतदाता को भी इंश्योर करेंगे कि वे अपने जमहूरियत में मताधिकार का प्रयोग स्पष्ट तौर पर कर पाए बिना किसी फियर के कर पाए? वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम देयर फर्स्ट। सर मैं अरविंद हूं, मैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से। सर मेरा सवाल है, आपने चुनाव के दौरान लोकसभा में एक आपने कई एम की बात की थी, एक उसमें फेक नैरेटिव था, इस बार चुनाव आयोग उस फेक नैरेटिव से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है? माइक टू द लेडी थर्ड रो फर्स्ट लेडी। सर मैं पूनम हूं, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आप आगे आ जाइए। सर मैं पूनम, ओके सर मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह पर ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है, और जिस तरह से आपने कहा कि जिस दिन आप लोग वहां थे उस दिन भी सीजर हुआ है, तो उससे निपटने के लिए क्या होगा? क्या जो पर्यवेक्षक हैं वो अतिरिक्त होंगे या कुछ और इंतजाम किया जाएगा? नाउ लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट फर्स्ट अबाउट 30 सितंबर। 19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी, 4th-6th June को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस खत्म हुए हैं, उसके बाद वेदर, उसके बाद अमरनाथ जी यात्रा, देयर इज नो वे वन कुड हैव गॉन एग्जैक्टली ऑन द डेट विच इज 19th।
We are not giving even half a day when one could have started. And it is well begun within the time period, and it will be finished in the time. So it's not a day here and there which really is important. What is important is that we go by the spirit, and it is not only the, as I mentioned in Jammu, the amendments to the J&K Reorganization Act in terms of providing the reservations came in December 2023. So the period started ticking for the commission to start it only in December 2023. Thereafter came the parliamentary election, so we are not delayed at all. Sir, Haryana ka kya hoga nazdeek mein Delhi mein, isse hame koi sarokar nahi hai. वो ना हमारा ये कार्य है. वो कैसे किस राजनीतिक क्रम पे फर्क पड़ेगा जो आपका प्रश्न है, वो हमारे दखल अंदाजी में नहीं है, हमारे रेमिट में नहीं है. जम्मू में जो मुठभेड़ के बारे में आपने पूछा, आपने कहा वो बड़ा चैलेंज है. चैलेंज लेने के लिए आवाम तैयार है, मैंने बार बार कहा, और उसको पूरा करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होगी फोर्सेस की उतनी दी जाएगी, उससे ज्यादा दी जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव का समय आए, कोई थोड़ी बहुत गतिविधि बढ़े और आप पीछे हट जाएं, और फिर आप चुनाव के समय जाएं फिर पीछे हट जाएं, ऐसा नहीं हो सकता. सो वी आर ऑल रेडी फॉर फेसिंग द चैलेंज. सिक्योरिटी कवर, आई विल अगेन रिपीट टू द कैंडिडेट्स, टू बी प्रोवाइडेड एज असेस्ड बाई द एडमिनिस्ट्रेशन. ड्रग्स ऑफ कोर्स इज वन मेजर एरिया. हम सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, उसका एनफोर्समेंट करते हैं, उसको रोकते हैं, ये हमारा रेगुलर वो नहीं है. बट अभी रियली फील आफ्टर आर रिव्यूज इन एवरी स्टेट, स्टार्टिंग फ्रॉम, आई मीन आई डोंट वॉन्ट टू नेम दैम, बट एवरी स्टेट वी हैव विजिटेड, स्टार्टिंग फ्रॉम मिजोरम टू नॉर्थ ईस्ट टू Andhra to any state, Haryana, Punjab, J&K, drug is really a menace. Our youth population is really getting into this habit, और इस menace को रोकना चाहिए. हमने अपनी तरफ से पिछले 2023 में करीब, if I remember correctly, 11 असेंबली elections हुए थे,